Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Embark Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. Karam Singh Foundation Ambulance में माँ ने दिया अपने बच्चे को जन्म. सोयाबीन की फसल को नामालूम बदमाशों ने लगाई आग, लाखों का नुकसान. तीसरा जलसा ईद मिलादुन नबी न्यू कर्नाटक टेक्नोक्राफ्ट एसोसिएशन की ओर से. एनएसपी स्कॉलरशिप की डेट 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई. नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे बीके न्यूज. बीके न्यूज में आपका स्वागत है. धर्म सिंह फाउंडेशन एम्बुलेंस में मां ने दिया अपने बच्चे को जन्म. मुचलम से बसों कल्याण गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाते समय एम्बुलेंस में ही मां ने दिया अपने बच्चे को जन्म. बुलसुर तालुका के मुचलम ग्राम की रहने वाली कलावती सोमनाथ बिरादार ने धर्म सिंह फाउंडेशन एम्बुलेंस में नवजात शिशु को जन्म दिया. प्रेग्नेंट महिला को दोपहर में लेबर पेन होने पर धर्म सिंह एम्बुलेंस को कॉल कर मुचलम से बसों कल्याण गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए ला रहे थे. हॉस्पिटल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर खड़े झंडे के करीब महिला को तेज पेन होने की वजह से एम्बुलेंस को साइड में ही रोकना पड़ा. कलावती की मां और बहन की मदद से कलावती ने अपने बेटे को सुरक्षित जन्म दिया. बाद में मां और बेटे को सिटी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाया गया और डॉक्टर्स के निगरानी में इन दोनों को रखा गया. ARK Giri Silk and Sari, Raj Electronics and Home Appliance, SVS Tires, Total Tire Solution in One Unit, I Light Industry, AAC Blocks. Construct your dream home with quality product. सोयाबीन के फसलों को नामालूम बदमाशों ने लगाई आग, लाखों का नुकसान. बसों कल्याण तालुका के घाटीपरगा में सोयाबीन की खेत में रखे हुए फसलों को नामालूम बदमाशों ने लगाई आग, जिससे किसान को लाखों का नुकसान हुआ. घाटीपरगा के संजय कुमार कोपरना माली पाटिल के खेत में काट कर रखे हुए सोयाबीन को बदमाशों ने रात के समय उसमें आग लगा दी, जिससे पूरी सोयाबीन जलकर राख हो गई और देखते ही देखते संजय कुमार को लाखों का नुकसान हो गया. बताया जा रहा है कि संजू कुमार ने अपने 12 एकड़ खेत में सोयाबीन उगाई थी, रास करने के लिए काट कर रखी हुई थी. नामालूम बदमाशों ने सोयाबीन में आग लगा दी. जैसे इस आग की जानकारी फायर स्टेशन डिपार्टमेंट को मिली, फायर ब्रिगेड टीम पहुंचकर आग को बुझाते तब तक फसल पूरी तरह से जल चुकी थी, जिससे किसान को 6 लाख से भी ज्यादा का नुकसान हुआ. Dream Home Furnishing, Curtain and Sofa, Sohom Electronics, Home Appliance Furniture, Chenbaswa College of Pharmacy, Nursing and Paramedical, Admission are open. Prashant Mobiles, Electronics and Home Appliance. तीसरा जलसा मिलादुन नबी न्यू कर्नाटक टेक्नोक्राफ्ट एसोसिएशन की ओर से कर्नाटक का अटोनगर सस्तापुर बंगले पर 17 अक्टूबर 2022 को जलसा मिलादुन नबी किया जा रहा है. इस जलसे में मौलाना हाफिज नसरुद्दीन, मौलाना सलीम साहब, मौलाना हाफिज मीर फरकुंदा अली और एसएम मोनुद्दीन साहब अपना बयान फरमाएंगे. ये जलसा पिछले 3 साल से न्यू कर्नाटका टेक्नोक्राफ्ट एसोसिएशन की ओर से किया जा रहा है. सैयद रहमत प्रेसिडेंट, NKTCA, अलहद शेख शेर अली सेक्रेटरी के नेतृत्व में किया जा रहा है. एनएसपी स्कॉलरशिप की डेट 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है. प्री मैट्रिक एनएसपी स्कॉलरशिप की डेट को दूसरी बार बढ़ाया गया है. एनएसपी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट 31 सितंबर थी, उसके बाद उसे बढ़ाकर 15 अक्टूबर किया गया. जैसे ही 15 अक्टूबर किया गया, स्कूल्स के हॉलीडेज होने के कारण स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सके, इसीलिए फिर एक बार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ओर से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की डेट बढ़ाकर 31 अक्टूबर किया गया है. जो कोई भी स्टूडेंट्स अभी तक एनएसपी स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं किए, वो नज़दीकी ऑनलाइन सेंटर या स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, जिसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है. हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए.